नमस्कार, आप देख रहे हैं नबछोड़ लाइव। दोस्तों, हांसी सत्संग सेवा समिति श्री ललिता आश्रम गौशाला ट्रस्ट द्वारा एसडी महिला कॉलेज के सभागार में 5 दिवसीय सत्संग समारोह का समापन हुआ। सत्संग को सनातन धर्म के ध्वजवाहक अंतर्राष्ट्रीय संत दीनदयालु जी महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भूतकाल को भूत की तरह भूल जाओ, आपका जीवन संवर जाएगा। जीवन में प्यार सेवा जरूरी काम करते रहो, मगर किसी से आसक्ति ना रखो। आसक्ति रखनी है तो भगवान में रखो। इस अवसर पर कार्यक्रम के यजमान मदन मोहन सेठी, विधायक विनोद भयाना की धर्मपत्नी सुनीता भयाना, श्याम मित्र मंडल के प्रधान जगदीश मित्तल शंकर, अग्रोहा धाम युवा इकाई के प्रधान विनय जैन, अजय कंबीरी, अशोक ठकराल, रविंद्र बहार आदि ने गुरु से आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में भजन मंडली द्वारा भजन प्रस्तुत किए गए। भजनों पर श्रद्धालु जमकर झूमे, जिससे सत्संग सभागार भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम में सत्संग सेवा समिति, कीर्तन मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल श्री ललिता आश्रम गौशाला ट्रस्ट ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इस संबंध में सत्संग सेवा समिति श्री ललिता आश्रम गौशाला ट्रस्ट के प्रधान कृष्ण महता का कहना है कि सत्संग इंसान के विचारों को शुद्ध करता है। कृष्ण महता ने बताया कि समिति ने गायों के पालन पोषण के लिए गौशाला भी स्थापित की हुई है। तो है सत्संग जीवन में इंसान को सामाजिक रूप से, ग्रस्त रूप से और व्यवहारिक रूप से एक व्यवहारिक अच्छा इंसान बनाने के लिए इंसान को प्रेरित करता है। इंसान के विचारों को शुद्ध करता है। जो आज के समय में इंसान भौतिकवाद की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है और उससे ही इंसान के जीवन में दुख, समस्याएं, कष्ट आ रहे हैं। यदि अध्यात्म की ओर इंसान जाए तो अध्यात्म जो है मर्यादित जीवन जीने की शिक्षा देता है, तो सत्संग से ही ये सब संभव हो पाता है। बाकी कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो मर्यादा सिखाए इंसान को कि मर्यादित जीवन कैसे दिया जाता है। पद तो सेवक हैं, समाज में सेवा कर रहे हैं। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव स्वामी दीनदयालु जी महाराज से बचपन से ही जुड़े हम और उन्हीं से ही आध्यात्मिक शिक्षा, दिशा निर्देश लेते हुए और उन्हीं की आज्ञा के अनुसार ही समाज में हमने सत्संग सेवा समिति संकीर्तन मंडल के नाम से संस्था स्थापित की, जो करीब करीब 25 वर्ष तक लगातार बिना नागे साप्ताहिक संकीर्तन जिसका चलता रहा प्रति शनिवार को। कोरोना के बाद बीच में कुछ विक्षेप आया तो ये संकीर्तन बंद हुआ। पूरे 25 साल तक संकीर्तन मंडल लगातार चला और समाज में पूज्य सतगुरुदेव जी के द्वारा दी गई शिक्षाओं को प्रसारित प्रचारित करता रहा है। और आज भी सत्संग सेवा समिति संकीर्तन मंडल के नाम से ही आयोजन हो रहे हैं पिछले 41 वर्षों से लगभग करीब, और उसी कड़ी में इस बार भी पूज्य सतगुरुदेव जी के परम सानिध्य में श्री राम भरत जी के चरित्र पर विशेष रूप से प्रकाश डालने के लिए कार्यक्रम 5 दिन का किया गया। और इसका उद्देश्य, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शांति आश्रम के नाम से पूज्य सतगुरुदेव जी के ही आशीर्वाद से गौशाला का यहाँ स्थापना की गई थी 1990 में करीब, और तब से ये गौशाला चल रही है। उसके बाद रजिस्टर करवाया गया इस गौशाला को, तब नाम इसका बदला गया क्योंकि हरिद्वार और वृंदावन में पूज्य सतगुरुदेव जी द्वारा संचालित जो संस्थाएं हैं वो श्री ललिता आश्रम गौशाला के नाम से हैं, और उसी के नाम से ही यहाँ रजिस्टर करवाया गया गौशाला को, श्री ललिता आश्रम गौशाला के नाम से। वो
गौशाला की सेवा में तो ही समाज को प्रेरित किया गया है आयोजन के माध्यम से।